आज थिएटर में पिक्चर पहुंचना ही बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल बात होती है। बहुत सी फिल्मों में सारे स्टार्स एड़ी चोटी लगा के प्रमोशन करते हैं। दिल डगमग डगमग डोले, दिल डगमग डगमग डोले। The audio release of Three Bachelors was held in Mumbai. Take a look. यही इश्क है यही मोहब्बत, होने दो यारा शरारत। ये तेरी भी है उम्र, ये मेरी भी है उम्र, पास आ होले होले। दिल डगमग डगमग डोले, दिल डगमग डगमग डोले। म्यूजिक यंग म्यूजिक है और डब्बू मलिक साहब हमारे जो कि यंग म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी जवान म्यूजिक दिया है। जैसा कि मेरे आंगने में हो गई धूमधाम, दिल डगमग डगमग डोले, तो ये सब बहुत अच्छे गाने हैं जो मुझे लगता है आज के किसी यंगस्टर को पसंद आएंगे। तीन बैचलर्स की कहानी है। दो स्टूडेंट्स हैं हमारे, शर्मन जोशी और नागपाल, मनीष नागपाल, और उनका एक प्रोफेसर है मनोज पावा। तो तीनों ही बैचलर हैं और तीनों की अपनी प्रेम कहानी है। कैसे स्टूडेंट्स अपने टीचर को बताते हैं रोमांस करने के तरीके, और कैसे वो प्रोफेसर रोमांस करने के तरीके बताता है अपने स्टूडेंट्स को, और उसी पे सारी पे सारा खेल है। इट्स टोटली द फिल्म इज़ अ कॉमेडी, इज अ रोमांस कॉमेडी। एंड दैट इज ऑल। हर छोटी बड़ी फिल्म का अपना एक लक होता है, एक डेस्टिनी होता है। वो डेफिनेटली ये फिल्म जो है अपने आप अपना कुछ जो लेके आई थी वही दर्शकों तक लेके जाएगी। बहुत सी फिल्मों में सारे स्टार्स एड़ी चोटी लगा के भी प्रमोशन करते हैं, तो भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो बात बन जाए। मुझे लगता है कि अगर आप लोग प्रमोट करेंगे तो अपने आप फिल्म हो जाएगी। एक्टर्स तो फिल्म में दिखने ही वाले हैं, तो मुझे लगता है कि प्रमोशन के लिए डायरेक्टर, राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह का होना ज़्यादा ज़रूरी है जो बताए फिल्म के बारे में। बाकी फिल्म तो जब आप देखने जाएंगे तो एक अजीब सी जिज्ञासा आपकी जागेगी, उस वक्त आपको लगेगा कि वाओ, वी वर मिसिंग सच ए बिग ग्रेट फिल्म। जब एक फिल्म, ऐसी फिल्म जो कि बन चुकी होती है और उसको रिलीज़ करना होता है, तो रिलीज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बशर्ते इस बात की कि हम ये किसी का पिक्चर वेट करें या निर्माता वेट करें। कि किसी का वेट करने से ज़्यादा यह है कि पिक्चर को एक रिलीज़ का एंगल मिलता है और एक रिलीज़ का कम से कम स्पेस मिलता है। आज थिएटर में पिक्चर पहुँचना ही बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। शर्मन जो है बहुत ही अच्छा कलाकार है, ये प्रूव कर चुका है वो अपने आप को फरारी की सवारी में, और उसी में नहीं पहले भी अपने आप को प्रूव कर चुका है। तो और इस फिल्म में अगर वो काम कर रहा है तो जाहिर है कि उसने काम अच्छा किया होगा, फिल्म की कहानी अच्छी होगी, और उसने जब ये फिल्म एक्सेप्ट की होगी तो 100% ये सोच के एक्सेप्ट की होगी कि ये फिल्म जो है मेरे करियर में कुछ अब ऐड ही करेगी, नहीं तो फिल्म क्यों करता। पिक्चर का हीरो है, मेन हीरो है वो। तो खैर एनीवे, शर्मन है इसलिए पिक्चर में डेफिनेटली एक अच्छी एक्टिंग मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि देखने को मिलेगी, बिकॉज एक मजा हुआ कलाकार इस फिल्म के अंदर है। आजकल फिल्में जाने के लिए एक आइटम सॉन्ग या बोल्ड सीन होनी जरूरी है, ऐसा कुछ है आपके मूवी? हाँ है, हमारी फिल्म में एक है, हमारी फिल्म में एक आइटम सॉन्ग है, मेरे आंगने में हो गई धूमधाम। दरअसल तो वो गाना अगर आप यूँ देखें तो ओरिजिनल था मेरे घाघरे में हो रही है धूमधाम, लेकिन फिर सेंसर बोर्ड ने उसको थोड़ा सा वो करके उसको आंगने में करवा दिया, वरना घाघरे में धूमधाम मुझे लगता है हो सकता है। वेरी सून आई हैव टेकन अ लिटिल गैप, मोर देन एक्चुअली आई हैव एवर टेकन, बट माय फिल्म इट हैपेंड इन माया नगरी, जिसकी स्क्रिप्ट रेडी है, यू नो दैट विल गो ऑन फ्लो। और उससे पहले एक मैं रमेश तुरानी जी के लिए, मतलब टिप्स के लिए आई एम कमिटेड टू डू ए फिल्म, उसकी स्क्रिप्ट है वो, लव इन पंजाब है वो, होगी। तो लेट्स सी विच वन विल गो ऑन फ्लोर फास्ट, यू नो। बॉलीवुड हंगामा न्यूज़ नेटवर्क।